खबर जनपद मुजफ्फरनगर से आ रही है। पुलिस का खौफ अपराधी के दिमाग पर इस कदर घर कर गया है कि अब बदमाश पुलिस कार्रवाई के डर से खुद ही थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ताजा मामला बता दें कि मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है, जब कोतवाली में एक स्टेशन बदमाश जो कि अकेला ही हाथ छुड़ाकर थाने आ पहुंचा। बता दें कि जहां अपराधी ने कान पकड़कर पुलिस के सामने अपराध से तौबा कर आत्मसमर्पण किया है। ऐसा ही मामला सीओ सिटी के माने तो पुलिस के दो चेहरे होते हैं, एक आम आदमी के लिए मित्रता और एक अपराधी के लिए बहुत ही खौफनाक चेहरा। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस खौफ के कारण अपराधी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। प्राइम देखे न्यूज चैनल के लिए मुजफ्फरनगर पवन अग्रवाल। कोतवाली में सर एक बदमाश पहुंचा था और उसने सिलेंडर किया, क्या सर पूरा मामला? ये एक बशीरुद्दीन छोटा नाम का अभियुक्त है जो कि कोतवाली से गैंगस्टर भी है और इस पे जो है कोतवाली से स्ट्रीट शीटर भी है। कोतवाली से इस पे बहुत मुकदमे हैं, अलग अलग थानों के मुकदमे हैं और ये गैंगस्टर के मुकदमे में लगातार बातचीत चल रहा था और आज ये थाने में पहुँचा है जिसमें किसने शपथ पत्र भी वहाँ दाखिल किया है कि मैं किसी तरह का कोई अपराध अब भविष्य में नहीं करूँगा। और जो गैंगस्टर का मुकदमा जिसमें वांछित था उसमें इसको जेल भेजा जा चुका है। अन्य मुकदमे जो हैं इसके ऊपर उसमें भी हम दूसरी जगहों से भी जानकारी कर रहे हैं कि किसी और थाने से भी ये कहीं से वांछित तो नहीं। सर इसमें कोई मुकदमा भी दर्ज था पहले? सॉरी, इस पे इनाम भी था सर कोई? नहीं, इनाम नहीं था, लेकिन ये हमारे जो गैंगस्टर का मुकदमा था उसमें वांछित था और इसको लग रहा था कि पुलिस इसको बहुत जल्दी धर दबोचेगी, उसी भय के कारण इसने आज जो है सरेंडर। सर किस तरह देखते रहे जैसे आज इसने सरेंडर किया है? ये मैं समझूंगा कि जैसे पुलिस के दो चेहरे होने चाहिए, कि एक आम आदमी के लिए मित्रता वाला चेहरा होना चाहिए पुलिस का और एक अपराधी के लिए बहुत ही खौफनाक चेहरा पुलिस का होना चाहिए, जो कि खौफ का ये कारण है। मुजफ्फरनगर पुलिस का एक खौफ है, इसी कारण से आज ये जो सरेंडर हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से ही एक प्रेशर क्रिएट रहेगा बदमाशों के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, तो निश्चित रूप से अपराध में